माननीय मंत्री जी को बहुत बड़ा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है, उसके लिए उनको बधाई देता हूं, क्योंकि जल ही जीवन है और दो तीन डिपार्टमेंट का समावेश करके एक नया विभाग बनाया गया। लेकिन जिस प्रकार से आपकी मिनिस्ट्री, आपका मंत्रालय काम कर रहा है जनाब, उससे तो नहीं लगता है कि आपका विभाग पर आपका नियंत्रण होगा। मैं आपके सामने जिस प्रकार से इस विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस जो आई हैं, उसका उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स तो खैर ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन्स, और यही नहीं है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है, आप 10th रिपोर्ट देखेंगे तो रिकमेंडेशन 1, रिकमेंडेशन 3, 5, 6, 15, 17 और 19, इन सभी रिकमेंडेशंस में एक ही बात है माननीय मंत्री जी, कि आपके पास पूंजी होने के बाद भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। यही नहीं है, ग्राउंड वाटर, भूजल की समस्या को देखते हुए भी उसमें आपने जो विभाग की तरफ से आवंटन किया है उसमें भी कमी कर दी गई। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन आपका 2018-2019 में आप खर्च कर नहीं कर पाए, 2436 करोड़ खर्च नहीं कर पाए, 19-20 में 4631 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। रोज हम टीवी पर आपके विज्ञापन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, भारत मिशन के ग्रामीण का 18-19 में 10683 करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर पाए, 19-20 में 10475 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए। आखिर किस प्रकार की सरकार आप चला रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसी के साथ साथ फंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में भी 9994 करोड़ से घटाकर आपने 6000 करोड़ कर दिए। यही नहीं है, आपकी कमिटेड लायबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। पैसा रखा हुआ है आपके पास, आप कर्ज लेते चले जा रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के लिए प्रावधान किया था, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 99 प्रोजेक्ट में से केवल 44 प्रोजेक्ट ही आप पूरा कर पाए, यह आपका 10वीं रिपोर्ट में है। उसमें यह भी रिकमेंडेशन है कि बहुत पुअर मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही के पार्टी के माननीय अध्यक्ष महोदय की ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। माइक्रो इरिगेशन में तो 6,10,000 करोड़ हेक्टेयर का टारगेट था और आप कितना पूरा कर पाए, केवल 15,000 हेक्टेयर में ही आप माइक्रो इरिगेशन को लागू कर पाए, ये रिपोर्ट का अंग है 10वीं रिपोर्ट का। इसी के साथ साथ नमामि गंगे क्लीन गंगा फंड में भी आपका आप पैसा खर्च नहीं कर पाए। वाटर एफिशिएंसी के लिए आप समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी अभी आप पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहे हैं, मसला कैबिनेट के सामने भी आप नहीं ला पाए। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार का मंत्रालय, आपसे तो बड़ी उम्मीद थी माननीय मंत्री महोदय, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में आपसे बहुत कुछ है, लेकिन इस प्रकार का यदि आपका परफॉर्मेंस होगा तो माफ करेंगे कि बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोगों को नहीं होगी, हमको तो है भी नहीं, भाजपा को भी नहीं होगी। मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि वाटर पॉलिसी राजीव गांधी जी ने 1987 में वे लाए थे और उसके बाद यूपीए सरकार में 2012 में उसको वापस रिवाइज किया गया। आवश्यकता इस बात की है कि नई परिस्थितियों में माननीय मंत्री जी आपको वाटर पॉलिसी को फिर से चर्चा करानी चाहिए और उसके आधार पर अपनी नई पॉलिसी बनाना चाहिए। आवश्यकता है, पेयजल की आवश्यकता है। आपने यदि आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो पेयजल की
किस पानी पर अधिकार किसका होना चाहिए? सबसे पहला है पेयजल का, उसके बाद कृषि का, फिर बिजली हाइड्रो पावर का, इकोलॉजी एग्रो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज नेविगेशन वगैरह बाद में। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि सबके घर तक नल पहुंचाने के लिए आपने संकल्प लिया 2024 तक, आपको बधाई। लेकिन जिस प्रकार से आपका मंत्रालय काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप 7000 करोड़ का जो बजट आपको मिला है आप खर्च कर पाएंगे, और वो तब भी आप खर्च कर पाएंगे जबकि आपके पास शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स हो। क्या आपके पास शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं? राज्यों के पास इस प्रकार के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं? आपका जो नल जल योजना है उसमें भी मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इसमें भी आपको प्राथमिकता तय करनी चाहिए, और सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए गरीबों के प्रति और अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के प्रति। स्लम एरियाज में, विशेषतर जो शहरों के मेट्रो एरियाज के स्लम एरियाज हैं, वहां पानी केवल टैंकरों के माध्यम से दिया जा रहा है, और उसमें भी जिस तरह सब जगह माफिया, यहां टैंकरों का माफिया भी चलता है। यदि हमारे भोपाल शहर का भी आपको कह दूं, नल जल में जानबूझकर कमी कर की जाती है ताकि टैंकर माफिया काम करता रहे। और उसमें भी मेरा आपसे अनुरोध यह है कि जिस रेट से पानी मिल रहा है, बड़े लोगों को सस्ते में पानी मिलता है, लेकिन टैंकर की कीमत जो टैंकर से लेते हैं उसमें कहीं ज़्यादा उसमें खर्च करना पड़ता है। आपने नल जल योजना के लिए प्रावधान तो कर लिया, लेकिन पानी आएगा आपको या तो सरफेस वाटर से या आपको आएगा भूजल से। भूजल की हालात आप देख रहे हैं कि नीति रिपोर्ट, नीति ने आपके जिसको प्लानिंग कमीशन से आपने नीति कर परिवर्तित कर दिया, उनकी रिपोर्ट है कि 2020 मतलब पिछले साल तक पूरे दिल्ली में, पता नहीं कहां से ये रिपोर्ट उनके पास आई कि भूजल समाप्त हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है, इसमें रणनीति क्या है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि भूजल वाकई में एक प्रमुख समस्या आज इस देश में है, क्योंकि हमारे भारत में अधिकांश जो इरिगेशन हो रहा है वो सरफेस इरिगेशन नहीं होके अपना लिफ्ट इरिगेशन हो रहा है। इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं कई दिनों से इस बात के लिए कह रहा हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी इस बात को कहता था कि केंद्र सरकार को सब सॉइल एक्विफर्स का डिटेल सर्वे करवाना चाहिए। हमारे अंडरग्राउंड अनेक बड़े बड़े कैविटीज हैं, बड़े बड़े एक्विफर्स हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की अगर जो सरफेस रन ऑफ है, आज हालात ये है कि लगभग 60% से ज़्यादा पानी जो हमें वर्षा से आता है वो सब समुद्र में बह के चला जाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ वनों का क्षरण हो रहा है और वहीं उसी तरह से हम लोग उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, और विशेष तौर पर आप ग्राउंड वाटर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी हमारे जल पर आप चर्चा करेंगे, इट हैज़ टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इस पर विशेष तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पानी गिरता है वहाँ उसका, वहाँ से उसको फ्रॉम द रिच टू द वैली कंसेप्ट से ही आपको मेजर रिवर बेसिन है वो, और उसके अलावा भी आपको माइक्रो प्रोजेक्ट भी तैयार करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देर से आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी ने अब कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स का कंसेप्ट वो लाने का उन्होंने घोषणा की है, अभी किया कुछ नहीं है। ये काम जो उन्होंने अभी बता रहे हैं वो मैं 1994 में मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान के माध्यम से करा चुका था, और उससे इतना फर्क पड़ा था कि काफ़ी कुछ उसमें हम लोगों के यहाँ वाटर डिप्लीशन अन्य प्रांतों के अलावा हमारे यहाँ काफ़ी कम हुआ। कंजंक्टिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर विद सरफेस वाटर ही स्ट्रैटेजी हमारे को लाना चाहिए। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट में मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत आप देखिए, सौराष्ट्र के मिस्टर अंताला जी थे जिन्होंने कि फॉरेस्ट, अब जो हमारे जो रन ऑफ था, जो कच्छ में जो पानी की दिक्कत हुई, उन्होंने सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करके कुओं में और ट्यूबवेल में डालकर वहाँ वाटर रिचार्ज किया। उसको हम लोगों ने आमंत्रित भी किया था, और मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ इन्होंने काम भी किया था। इसी प्रकार अन्ना हजारे ने वाटरशेड मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है, राजेंद्र सिंह जी ने जिनको वाटरमैन कहा जाता है, काफ़ी जो
नदियां नाले सूख गए थे उनको भी बड़ी आसानी से रिवाइव किया जा सकता है। इस बारे में आपको वाटरशेड मैनेजमेंट पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। वाटर हार्वेस्टिंग का काम आपके राजस्थान में होता आया है, आज से नहीं आ रहा, हजारों सालों से होता आया है, और वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं, बड़ी आसानी के साथ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एज ओल्ड प्रैक्टिसेस है, इनको ही आप अडॉप्ट कर लेंगे तो बड़ी आसानी के इसके साथ काम किया जा सकता है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जितने बिल्डिंग लॉज थे उसमें मैंडेटरी कर दिया था, कोई भी बिल्डिंग बनाएगा उसमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बाध्यता होगी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। कानून बन जाता है लेकिन उसका नियम नहीं बन पाते हैं, हम लोगों ने नियम भी बना दिए थे। मेरी आपसे प्रार्थना है इसको आप सारे देश के जो लोकल बॉडीज के मंत्री लोग हैं उनकी बैठक बुलाइए और इसको मैंडेटरी कर दीजिए कि वाटर हार्वेस्टिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो वेस्टेज होता है पानी का उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। जिनीवा में और लियोन्स में जो सीवेज वाटर होता है उसको 7 बार रिसाइकल करके पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तैयार किया जा सकता है। पानी की समस्या वाकई में आने वाले दिनों में गंभीर होती जाएगी, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी आज आसानी से ले सकते हैं, बड़ी आसानी इसको प्रैक्टिस इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। मैं आपसे अनुरोध ये भी करूँगा कि हर वर्ष ग्राउंड वाटर लेवल्स का हर जगह का असेसमेंट आपको करना चाहिए, किस इलाके में, हालांकि इसमें ग्रे एरियाज हैं, ब्लैक एरियाज बनाए गए हैं, कुछ नियम और कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन इसको ग्राउंड वाटर को आप रिचार्ज करते रहिए। अब मटके का पानी जो हजारों साल से नीचे भूजल में इकट्ठा है, निकालते जाइए, अगर आप उसमें डालेंगे नहीं तो चलेगा कैसे काम, इसलिए रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर शुड बी योर प्रायोरिटी। मैं इसी के साथ साथ ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा देश भी अद्भुत है, एक तरफ जहाँ बाढ़ आती रहती है वहीं ड्राउट रहता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि सही वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यदि आप लागू करेंगे, सही नीतियां बनाएंगे तो उस पर आवश्यकता अनुसार आप उसमें काम किया जा सकता है। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं हर साल जो हिमालयन रिवर्स हैं, गंडक और कोसी में हर साल बाढ़ आते हैं, आपके सिंह जी यहाँ विराजे हुए हैं जी, गंडक और कोसी में जो बाढ़ आती है उसमें विशेष तौर पर ब्रह्मपुत्रा पर वो बाढ़ आती है, क्या हम लोग उनके कैचमेंट एरिया में, हालांकि इंटरनेशनल बात आती है नेपाल चाइना और भूटान से इस बारे में चर्चा करना चाहिए, हालांकि भूटान ने पावर जनरेशन में काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है, नेपाल के साथ भी बैठ के करना चाहिए। चीन के हमारे संबंध ठीक नहीं हो सकते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन फिर भी वाटर यूटिलाइजेशन के बारे में उनसे चर्चा करने की आवश्यकता है। बड़ी डिबेट चलती है माननीय बड़े प्रोजेक्ट और छोटे प्रोजेक्ट्स के मामले में, मैं इसको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की आज आवश्यकता होती है। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा शिकायत इस बात की होती है कि साहब रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए दिक्कत आती है। इसमें बड़ी अब 2-3-4 विषय ऐसे जिन पर कि अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी इसका हल किया जा सकता है। प्रॉपर एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध कराना चाहिए और विशेषकर लोगों के रोजगार के लिए और उनकी खेती के बदले खेत की जमीन उपलब्ध कराने के लिए आपको योजना बनाना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर इसका कानून बनाया गया था कि कोई भी बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट आएगा तो कमांड एरिया में सरकारी जमीन या लोगों के जो इनको फायदा होने वाला है उनकी जमीन अक्वायर करके लैंड हाउसेस को वहाँ पर दी जाएगी, और ये कानून हमने मध्य प्रदेश में भी लागू किया था। इस पर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यूटिलाइजेशन की कमी रहती है, जो आपने प्रोजेक्ट में आपने डिज़ाइन किया है उसका यूटिलाइजेशन 50-60-70% ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि कमांड एरिया डेवलपमेंट पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। मैं इस बारे में आपसे अनुरोध ही करूँगा कि कमांड एरिया डेवलपमेंट पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, रीसेटल साइट्स पर भी पूरी तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। आज भी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर के लैंड हाउसेस के आज भी प्रकरण लंबित हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस पूरे विषय में आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी जो वाटर हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा करना चाहिए, जो लोग यहाँ पर
जिन्होंने इस पर काफी काम किया, इंटरनेशनली बहुत काम हुआ है इस पर, किस तरह से हम इंटीग्रेटेड वाटर यूज का काम कर सके, क्योंकि हम आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह एक समस्या, वन मिनट, ओके, हम समस्या देख रहे हैं कि जब तक जल को हम सही उसका उपयोग करके सही बंटवारा नहीं करेंगे तो हालात धीरे धीरे आते जा रहे हैं कि समस्या और बढ़ती चली जाएगी। और लोग तो अब ये कहते हैं, हालांकि प्रॉफिट्स ऑफ डूम कई होते हैं, कि 2050 तक जाते जाते हमारे देश में पानी एक गंभीर संकट का रूप ले लेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी, अपने विभाग को कसिए, जरा दिखाइए दम। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.